Hello and welcome back, friends, to my channel Shivis Life Style. So friends, this is MIM Part 2. Why part 2? Because part 1 is already released. Please check out the link I'll be giving in the description box. So friends, yeju part टू है इसमें हमने लेटिन अमेरिका अफ्रीका एंड एशिया को कवर किया है एंड पार्ट टू थोड़ा स्पेशल है बिकॉज इसमें इंडिया का जो म्यूज़िकल सेक्शन है वो कवर किया गया है सो so, अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक को विज़िट कीजिए एंड लाइक like कीजिए और जब आप पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देख लेते हो तो मुझे बताइएगा कि विच वन इज़ योर फेवरेट पार्ट वन और पार्ट टू तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में प्लीज़ शेयर भी कीजिए ओके सो दिस इज़ पार्ट टू एंड जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे एशिया एंड अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका को कवर करने वाले हैं सो so फ्रेंड्स जैसे कि मैंने वीडियो के थंबनेल में स्पेसिफ़ाई किया था कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो वियर्ड हैं जैसे कि अभी आपको ये विजिबल है ये टोटॉइस के स्कल से बनाया हुआ है कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स देखे जो मैंने बहुत सारे एनिमल के जो स्कल होता है या उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके बनाए गए हैं कुछ एनिमल्स जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन uh, में कुछ थिंग्स uh, यूज़ होती हैं लाइक like ब्रूम जैसे कि ये अभी आपको विजिबल है या फिर फोक एंड ग्रेटर का यूज़ करके जैसे कि अभी आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा और uh, बहुत मैट uh, जो होती हैं उनका यूज़ किया गया है तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम इमेजन भी नहीं कर सकते हैं उनका यूज़ एज एन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किया गया है सो दैट्स वेयर देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन कमिंग टू द पिक्चर जैसे ये बिग आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आप सोचोगे कि, कि वो कैसे प्ले होता है तो ये सारी जो डिटेल है उनके नेम और वो कैसे वर्क करते हैं वहाँ जो लेबल लगे हुए हैं वहाँ पे मेंशन किया गया है जैसे कि ये एक बड़ा सा ब्लैक और हॉरिफाइड मास्क है ये देखने से कहीं समझ में नहीं आता है कि ये कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या अगर हो सकता है तो कोई इसे कैसे बजाएगा और क्या इसका साउंड होगा ये एक कुछ गारबेज सा कुछ दिख रहा है बट ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ जो एक बिग रेड फेस दिखाया गया है ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिस इज़ द कॉस्ट्यूम दे यूज़ सो so these आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स from डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे कुछ मैट का भी यूज़ उन्होंने एज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किया हुआ है जैसे कि ये एक मैट है ये रोल ओवर करके एक ओल्ड स्टाइल मैट और प्लस उसके साथ में कुछ स्टिक्स को रखा गया है another मैट इज़ there सो so, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इनका साउंड भी कैसे निकलेगा क्यों और कैसे इनको प्ले किया जाता है बट यस दैट्स वेयर द आर्टिस्ट दे कम सो गाइज ओवरऑल वन नाइन्टी सिक्स कंट्रीज़ हैं एंड आई थिंक दे हैव कलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अराउंड वन फिफ्टी कंट्रीज़ यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे मिले जो uh, मैंने कभी नहीं देखे थे और उनके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ प्लस वो जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं मैंने शायद कभी वो कंट्रीज़ के नेम भी नहीं सुने होंगे तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ देर कल्चर देर ट्रेडिशन एंड देर टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट व्हाट दे यूज़ टू डू इन ओल्ड टाइम्स एंड इन न्यू टाइम्स इस म्यूज़ियम में उन्होंने कुछ वर्कशॉप काइंड ऑफ जैसे अभी ये डिस्प्ले हो रहा है वो भी आ, शो की हुई हैं जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है उसका मेंटेनेंस कैसे होता है ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो आ, इंडोनेशिया में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं ये उसके रिगार्डिंग है और ये वाइज एंड इनका जो म्यूज़िक है दोनों ही एक रॉयल फीलिंग देते हैं अदरवाइज़ जो हम इंस्ट्रूमेंट्स देखे दोज ऑफ बियर्ड और वी हैव सीन बट ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये शायद हमने कभी देखे भी होंगे और लुक वाइज ये काफ़ी रिच लुक भी देते हैं सो so, ओवरऑल मेरा जो नॉलेज था वो यहाँ आके के कुछ एक लेवल तक डेफिनेटली बढ़ गया है और मैं डेफिनेटली ये पिलेज जो है वो ऑल एज ग्रुप्स को रिकमेंड करूँगी क्योंकि um, मैं और इवन मेरे किड्स भी यहाँ के बिल्कुल भी बोर नहीं हुए थे एंड वी वर जस्ट थिंकिंग इफ वी कुड हैव वन मोर डे टू बी हियर ओके दिस इज़ द कॉस्ट्यूम द वाइट वन विच पीपल फ्रॉम सिंगापुर दे वेयर व्हेन दे हैव एनी पर्टिकुलर कस्टम और एनी इवेंट they play uh, their music just wearing that costume so is place pe not only musical instrument but jo unki traditional costume hoti hai usko bhi display kiya hua hai jaise ye japan hai तो as we all know कि Japan culture wise थोड़ा अदर country से different ही है तो यहाँ के जो instrument थे वो मुझे बाकी countries जहाँ पे लोगों ने concert guitar माउथ ऑर्गन ये रखे हुए हैं बट जापान का डिफरेंट ही सेक्शन uh, था सो so, सेंस uh, हम अभी एशिया में हैं तो चाइना एंड मलेशिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के इंस्ट्रूमेंट यहाँ विजिबल हैं ये एक कलरफुल सेक्शन है जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड के साथ में कलरफुल भी हैं दिस इज़ आवर फेवरेट सेक्शन इंडिया इंडिया सो गाइज इंडिया के लिए एक बड़ा सेक्शन डेडिकेट किया गया है एंड वी हैव ऑलवेज वी हैव ग्रोन अप सींग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा है गिटार है ढोलक है हारमोनीय है तो ईवन uh, आप ये घंटी देख सकते हो यहाँ पे जो uh, हम मंदिर में भी बजाते हैं और सभी घरों में होती है सो so, इसके अलावा बांग्लादेश मालदीव पाकिस्तान ये सभी जो एशियन कंट्रीज हैं उनको वन और टू वॉल का एक जो स्पेस है वो एलोकेट किया गया था यहाँ पर सो दैट वाज द एशिया नाउ वी आर एंटरिंग इन अफ्रीका सो अफ्रीका की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका जो कल्चर है उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ कवर किए गए हैं प्लस उनकी जो कॉस्ट्यूम्स है जो कि अभी विजिबल है आपको Uh, काफ़ी ट्रेडिशनल और कलरफुल इनके इंस्ट्रूमेंट्स थे यहाँ पे सो जस्ट कीप वाचिंग दिस स्पेस कुछ डिफरेंट आता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ में सो दिस इज लैप दीज आर सम फोक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दैट कंट्री इज़राइल दीज एलईडीज़ आर जस्ट टू प्ले दैट सम पर्टूलर म्यूज़िक तो जब आप उसके पास जाते हो और आपके पास जो हेडफोन्स होते हैं उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो भी वो प्ले कर रहे होते हैं उनका साउंड आता है सो दैट यू कैन रिलेट द साउंड ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट दिस इज़ सम डिफरेंट दीज आर सम स्मॉल लेदर शूज काइंड ऑफ थिंग्स जिनका यूज़ करके इन्होंने बेल्ट बनाया है और फिर उससे म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है ये मॉडल uh, जो हम यूज़ करते हैं वो इन्होंने एज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है पेस्टल मोटर जो कि था सो फ्रेंड्स फॉर मी दिस वॉज़ वंस इन आ लाइफ वाला एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा uh, नया कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि आई एम श्योर मुझे बाकी कहीं पर भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता बिकॉज दिस इज़ द वन एंड ओनली म्यूज़िकल म्यूज़ियम इन द होल वर्ल्ड विथ सच आउज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्शन यहाँ कुछ ऐसी कंट्रीज़ के भी नेम हैं जिनको मैंने अभी तक की लाइफ में उनके नेम भी नहीं सुने होंगे दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट आई थिंक आपको देख कर आइडिया लग रहा होगा कि ये कितने वियर लुकिंग है बट येस येस दैट्स हाउ दे यूज़ इट दीज आर फ्राम नाइजीरिया एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि जिन पर जो क्राफ्ट है बहुत ही अमेजिंग किया हुआ है ओके सो लेट्स मूव टू पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ के जो फेसेस हैं दिस इज दैट सेक्शन जहाँ जो फेसेस थे वो काफ़ी हॉरेबल uh, लगे मुझे मैं वो इंस्ट्रूमेंट्स को कभी भी प्ले नहीं करना चाहूँगी लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट यू सी अगर मैं इसको डे टाइम में प्ले करती हूँ तो मुझे नाइट पक्के ही आने वाले हैं दिस इज़ वन कंट्री जो मैंने कभी नहीं सुनी थी यहाँ पे यूक्यूबा एंड यूरो तो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो काफ़ी यूनिक है वहाँ के बट आई शुड एडमिट मैंने वो कंट्रीज़ के नेम भी नहीं सुने थे ये कुछ बिगर साइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ म्यूज़ियम में हैंग किए हुए हैं ऑन द टॉप ऑफ ये द एलीवेटर ओके सो दिस इज़ द सेक्शन जहाँ पे बुडन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये कुछ है आई एम नॉट श्योर हाउ इट वर्क्स एंड अभी जो राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वहाँ का कॉस्ट्यूम है और अभी एलईडी पर आपको विजिबल भी होगा कि वो इस कॉस्ट्यूम को पहन के किस तरीके का डांस करते हैं सो दैट्स हाउ दे डू दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट देयर इवेंट्स एंड ये कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग बनाया गया है ओके सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सो ये कॉन्गो के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके फाइव टू एट इंस्ट्रूमेंट्स ही यहाँ पर एज एन कलेक्टबल एज अ कलेक्टेबल रखे गए हैं और कुछ कंट्रीज हैं जिनको प्रॉपर एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है uh, उनके जो इंस्ट्रूमेंट uh, हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए सो गाइज ओवरऑल इफ़ आई वुड रेट दिस प्लेस फाइव आउट ऑफ फाइव बिकॉज दे हैव अ वेरी नाइस एंड हाईजेनिक कैंटीन they have washrooms this place is accessible by a wheelchair and the stroller the only thing is they do not allow any food items or the liquid item inside the museum because of the safety of these instruments so i would say those who can manage please please visit this place because Uh, जो बाकी प्लेसेस होते हैं आई बिलीव लाइक मार्केट लेक रिवर आप वर्ल्ड में कहीं और भी उनको विजिट कर सकते हो बट थिंग्स लाइक दिस दीज आर द आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स मुझे नहीं लगता आपको ये कहीं और मिलने वाला है तो वंस यू शुड यू मस्ट ट्राई अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स सभी के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय